मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के पूरे हुए एक साल, आज ही के दिन कमलनाथ ने सीएम पद से दिया था इस्तीफा। कांग्रेस आज प्रदेश भर में मनाएगी लोकतंत्र सम्मान दिवस, तो बीजेपी मनाएगी अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस। मध्य प्रदेश दौरे पर राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया सुबह 10 बजे पहुंचेंगे भोपाल। सीएम हाउस में आयोजित कार्यक्रम में होंगे शामिल। सत्ता परिवर्तन के एक साल पूरे होने पर सिंधिया के दौरे को माना जा रहा है अहम। सीएम भूपेश बघेल आज राजनांदगांव और बिलासपुर दौरे पर, गिरौदपुरी धाम के गुरुदर्शन मेले में होंगे शामिल। बिलासपुर में न्यायधानी गौरव सम्मान कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। भोपाल, इंदौर, जबलपुर में 21 मार्च को टोटल लॉकडाउन। कोरोना की समीक्षा बैठक में सीएम शिवराज ने लिया फैसला। 31 मार्च तक तीनों शहरों में स्कूल कॉलेज बंद। प्रदेश में एक दिन में 1140 नए मरीज। छत्तीसगढ़ में एक दिन में 1000 से ज्यादा संक्रमित, प्रदेश सरकार अलर्ट। 21 मार्च को सीएम भूपेश बघेल करेंगे बैठक, ले सकते हैं बड़ा फैसला। बीजेपी ने सरकार को बताया हर मोर्चे पर विफल। दो दिन से प्रदेश भर में बारिश का दौर जारी, कई जिलों में तेज हवा के साथ ओलावृष्टि। गेहूं चने की फसल खराब होने का खतरा, सीएम शिवराज ने दिए खराब फसलों के सर्वे के निर्देश। और भारत और इंग्लैंड के बीच पांचवी T20 आज दोनों टीम के बीच फाइनल मुकाबला। फिलहाल 2-2 की बराबरी पर सीरीज में दोनों ही